नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम दत्ता, आप देख रहे हैं सिंपल टेक्निक चैनल, आपके मेरे सिंपल टेक्निक चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब के चैनल को अगर अपने यूट्यूब के चैनल को सब्सक्रिप्शन को हाइड रखना चाहते हैं तो किस तरह से अपने आप यूट्यूब के चैनल को सब्सक्रिप्शन को हाइड रख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक होती है कि कोई भी नया यूट्यूबर होता है कि वो चाहता है कि अपने सब्सक्रिप्शन को हाइड रखना है, जब उसका ग्रो कर जाता है चैनल और कुछ अच्छे खासे सब्सक्रिप्शन आ जाते हैं तो वो उसको ऑन करता है। बहुत कोई नहीं भी करता है, जैसे मैं अभी तक नहीं किया हूँ। फ्रेंड्स, तो अगर आप भी अगर नए यूट्यूबर है या फिर आप अपने यूट्यूब के चैनल के सब्सक्रिप्शन को हाइड रखना चाहते हैं तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब के चैनल को किस तरह से सेटिंग में जाकर हाइड कर सकते हैं। और साथ ही मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप अपने यूट्यूब के चैनल को किस तरह से सेटिंग कर सकते हैं, तो वो वीडियो जाकर दे सकते हैं कि अगर आपने नया यूट्यूब चैनल खोला और क्या क्या सेटिंग आपकी इंपॉर्टेंट है वीडियो में, तो आप जाके दे सकते हैं। वो वीडियो मैंने बनाया है, तो चलिए मैं फ्रेंड्स बताता हूँ कि ये वीडियो में कि किस तरह से आप अपने सब्सक्रिप्शन को हाइड रखेंगे। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको सिस्टम पे या फिर मोबाइल पे खोलना चाहते हैं तो मोबाइल पे खोल लीजिए और इसको डेस्कटॉप साइट में चेंज कर लीजिए। अगर आपने चेंज नहीं किया तो डेस्कटॉप साइट पे इसमें चेंज कर लीजिए। मैंने इसको वर्टिकल फेस पे मोबाइल पे खोला क्योंकि जो मोबाइल पे यूज़ करते हैं उसके लिए ईजी और ईजी स्टेप से सके। फ्रेंड्स, देखिए मैं चैनल को कस्टमाइज़ करके रखा हूँ इसलिए कुछ इस तरह से मेरा दिख रहा है। अच्छा, जो आप भी कस्टमाइज कर सकते हैं तो आपको भी कुछ इस तरह से दिखेगा। फ्रेंड, उसके बाद कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर ही पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं आज हम लोग का यहाँ पर मौसम डाउन होने के कारण फ्रेंड्स नेट बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो इसको भी डेस्कटॉप साइड पर चेंज कर लिया। नेट बहुत ज़्यादा स्लो चलने के कारण यहाँ पर साइड पर बहुत स्लो काम कर रहा है फ्रेंड्स, तो उसके लिए सॉरी। फिर भी चलिए, बहुत स्पीड से खुल गई है। देखिए मैं कस्टमाइज चैनल करके रखा हूँ तो मेरा कुछ इस तरह से खुलेगा मेरे वो चैनल और राइट। और देखिए पहले बिना कस्टमाइज जो आपने पहले देखा वो उस तरह से खुलता था, अभी कस्टमाइज करके रखा हूँ तो मेरा इस तरह से अच्छा से लुक रहा दिख रहा है। अभी अगर चैनल को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर कॉर्नर पर जाइएगा, सेटिंग पर देखिएगा, यहाँ पर कॉर्नर पर सेटिंग है तो यहाँ सेटिंग पर क्लिक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका सेकंड में आएगा चैनल, चैनल पर चल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर चैनल पे जाने के बाद आपका यहाँ पर जो फर्स्ट में बेसिक इनपुट, सेकंड में एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग में चल जाइएगा। एडवांस सेटिंग में जाने के फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो आपका है ये देखिए सब्सक्राइबर काउंट, इस सब्सक्राइबर काउंट मैं भी हाइड करके रखा हूँ फ्रेंड्स। तो अगर आप भी इसको हाइड करना चाहते हैं तो इसको अनटिक कर दीजिए। अगर आपको वहाँ पर देखिए टिक किया हुआ है, यहाँ पर इस तरह से ब्लैक टिक किया हुआ है आपको, तो उसको अनटिक कर दीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद अनटिक करके इसको यहाँ पर जो कॉर्नर में आपका सेव दिख रहा है यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दीजिए, आपका वो सब्सक्रिप्शन हाइड हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें कोई आपका सब्सक्रिप्शन कोई देख नहीं पाएगा फ्रेंड्स, सेव कर दीजिए। और हाँ, अभी मान लीजिए आपने अभी अप्लाई किया तो वो 4 से 5 घंटा टाइम लेगा अप्लाई होने में, वो 4 से 5 घंटा बाद वर्क करेगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो बस यही था फ्रेंड्स आज के लिए बस यही था फ्रेंड्स वीडियो में कि आप किस तरह से सब्सक्रिप्शन को हाइडन कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक चैनल में नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से मैं ट्रिक्स बताते रहता हूँ फ्रेंड्स। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स।